एक शिक्षा क्रांति के जनक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी आपके बीच आए हैं। आइए श्री मनीष सिसोदिया जी से। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशियों के समर्थन में एक विशाल रोड शो किया। सिसोदिया जी से मिलिए। दारागंज स्थित गल्ला मंडी से शुरू यह रोड शो अलोपी मंदिर, अल्लापुर लेबर चौराहा होते हुए बालसन चौराहे पर महर्षि भारद्वाज को माल्यार्पण कर समाप्त हुआ। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों ओर खड़े आम जनता के हजारों लोगों को अभिवादन करते हुए सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के शहर उत्तर प्रत्याशी श्री संजीव मिश्रा को विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी को वोट देकर विजय बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के मॉडल को सफल प्रयोग बताते हुए भ्रष्टाचार विहीन राजनीति ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा यूपी से सरकार बनने पर प्रत्येक महिला को 1000 भत्ता और प्रत्येक पंजीकृत बेरोजगारों को 5000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी दूर करने के लिए 10 लाख नौकरियां हर साल दी जाएंगी। सभी किसानों के सिंचाई का बिल माफ कर दिया जाएगा और घरेलू बिजली का बिल भी जो बकाया है पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। इस अवसर पर अनिता सिंह महानगर महासचिव सर्वेश यादव, प्रदेश सचिव अंजनी मिश्रा, प्रदेश सचिव विकास पटेल, व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष राजन सिंह महानगर, अध्यक्षा पल्लवी मालवीय, महानगर मीडिया प्रभारी आशुतोष साथी उपस्थित रहे।